हेलो एंड वेलकम एमएस सर की पाठशाला में आपका मैं पुरजोर और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कक्षा अष्टम का जेसीईआरटी बुक का है, प्रश्नावली 1.1 का। उसी का जो चरण चल रहा है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्वेश्चन बना के समझा रहा हूँ। उसी में से आज क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में लेकर के आया हूँ। चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या है कि मैं एक में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग हल करते हैं। अब जोड़ने की बात है तो क्या कीजिए, लिखिए माना कि जोड़ी जाने वाली अज्ञात संख्या, माना कि जोड़ी जाने वाली अज्ञात संख्या, तो वो क्या हो जाएगा आपका x पर x जनरली मानता है, x मान लीजिए, ये मानना ये मान लीजिए। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोलता है कि माइनस एक में क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक है इसमें जोड़ देंगे x। प्रश्न अनुसार माइनस एक में क्या जोड़ा था, माइनस एक में x जोड़ दिया गया तो क्या प्राप्त होता है, 7/5 प्राप्त होता है। इसको x को यहीं रखते हैं x, और ये माइनस वन उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस वन। अब ये हो गया आपका फ्रैक्शन का भिन्न का जोड़, इसके नीचे एक छिपा होगा आपको पता होगा, 5 और 1 का LCM 5 आया। और यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा और यहाँ 5 लिखूंगा। आगे जब इसको जोड़ा गया तो 7 और 5 12 और 5 ये आंसर आया। 12/5 जो है वो अगर इसमें जोड़ दिया जाए माइनस एक में तो आपका 7/5 आंसर आ जाएगा। दीजिए आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 होता है। परिमेय संख्या में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है परिमेय संख्या में। तो दो परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं कि दो परिमेय संख्या को आपस में गुना करते हैं तो -12 आ जाता है गुणनफल के रूप में। लेकिन शर्त यह है कि एक संख्या -3/4 है तो दूसरी फाइंड करना है, दूसरी निकालिए। चलिए दूसरी निकालते हैं। हल सॉल्यूशन या हल जो लिखना है लिख लीजिए। माना कि दूसरी संख्या या दूसरी अज्ञात संख्या, दूसरी अज्ञात संख्या बराबर x। दूसरी अज्ञात संख्या कौन है भाई, तो दूसरी अज्ञात परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कि माना कि दूसरी अज्ञात संख्या बराबर x। अब आगे प्रश्न अनुसार चलिए, प्रश्न अनुसार में क्या बोलता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, देखिए चूंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, -12 होता है। ये प्रश्न बोला हम लोगों को, इसको आगे बढ़ाते हैं तो पहली परिमेय संख्या हमारे पास है वो है -3/4, यहाँ लिखिए -3/4, और इसमें क्या बोला है गुणनफल है, मतलब गुना कीजिए। तो -3/4 में क्या गुना करें कि -12 आ जाए, तो एक्स गुना करके देखते हम लोग। अब आएगा -12, आपको पता है कि ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ करते हैं x यहीं छोड़ते हैं, इसलिए x बराबर होगा -12 ये वाले, और ये जो है वो आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा और ये -3 नीचे आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो --3 कट गया, 3 × 12 हुआ 4 × 4 अर्थात आया 16। ये आपका आंसर आ चुका है। इसमें अगर भाषा में लिखना चाहते हैं तो थोड़ा लिख दीजिए, अतः
दूसरी अज्ञात परिमेय संख्या, दूसरी अज्ञात परिमेय संख्या, अज्ञात नहीं लिखने का मन है तो वहां लिखा था दूसरी अभीष्ट परिमेय संख्या बराबर 16 आया, ये रहा आंसर। अब प्रश्नावली 1.1 का एक और प्रश्न बन गया है, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, या अगर संभव हो तो आप बना सकते हैं, सेम लगभग इसी पैटर्न का बन जाएगा, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।